नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल का जो डाक विभाग का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोज होते हैं उनकी जो भी जानकारी वो सबसे पहले मिले। तो भारतीय डाक ने जारी किया जम्मू कश्मीर और बंगाल सर्किल का परिणाम, ऐसे करें चेक। भारतीय डाक की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उम्मीदवारों का चयन संबंधित पदों पर मेरिट के अनुसार किया गया है। उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो अब इसके बाद होना है। तो चूंकि आज रिजल्ट आ चुका है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी जल्दी शुरू होने वाली है। भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परिणाम जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए जारी किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वह अपना परिणाम भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट apost.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं और वहीं से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इतने उम्मीदवारों का हुआ है चयन। भारतीय की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर सर्किल में 265 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। आप सभी को पता होगा कि इसके लिए जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 10th के परसेंटेज होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए 1940 उम्मीदवारों का चयन किया गया और इनके चयन के माध्यम से कुल 2357 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। भर्ती में ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवा के पद शामिल है। मेरिट के अनुसार मिलेगी नियुक्ति। भारतीय डाक की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उम्मीदवारों का चयन संबंधित पदों पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। अब अगर आपको ये जानना है कि आपको परिणाम किस तरीके से चेक करना है तो उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से दिशा निर्देशों का पालन करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट apost.in पर जाए। अब होम पेज पर दिखाई दे रहे रिजल्ट्स के टैब पर जाए। अब पेज पर दिखाई दे रहे वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। अब परिणाम आपके सामने की स्क्रीन पर एक PDF के रूप में प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इसमें Ctrl+F की मदद से अपना नाम और रोल नंबर खोजें। आगे की ज़रूरत के लिए परिणाम को डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स आए हैं, जम्मू कश्मीर जैसा आपको पता है कि वहाँ पर कम वैकेंसी थी, 265 वैकेंसी ही थी, तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। 98% तक भी मेरिट गई। इसके अलावा कुछ एक कैंडिडेट के तो मैंने देखे कि 100% भी वहाँ पर दिखाई दिए थे। इसके साथ ही अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें जो मेरिट है वो कम भी गई है, तो 90 के अबव ही रही है इसके बावजूद भी। तो इससे पता चलता है कि लोग जो है वो GDS में काफ़ी ज़्यादा अपना जो इंटरेस्ट है वो शो कर रहे हैं। तो ये थी इन दोनों जो सर्किल है उनके रिजल्ट की रिगार्डिंग जानकारी। आपको ये जो जानकारी है कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।